नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज का मेरा यह वीडियो युवाओं की अधिकार, जी हाँ मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, जो सरकार का दायित्व है कि युवाओं को दे। 2014 से पहले मोदी जी जहाँ जाते थे वहाँ युवाओं की रोजगार की बात करते थे, देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे। पर चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने इस पर कुछ नहीं बोला। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं, देश की GDP में ऐतिहासिक गिरावट देखी जाती है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर बिल्कुल चुप रहते हैं। जहां देश में रोजगार मिल नहीं रही है, वहीं लॉकडाउन के 4 महीने में लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह CMIE की रिपोर्ट बोल रही है। इसी बेरोजगारी के खिलाफ हमारे देश के युवाओं ने एक कैंपेन चलाया 9 बजे 9 मिनट का, जिसमें विपक्षी दलों ने युवाओं का भरपूर सहयोग दिया। पर इन मुद्दों पर आपका ध्यान न जाए, इसलिए गोदी मीडिया ने आपके सामने कंगना रनावत, सुशांत सिंह, रिया को रखा। अब मैं कंगना रनावत की बात करता हूँ। कंगना रनावत जो हमेशा ट्वीट करके सुर्खियों में रही, जिन्होंने सुशांत की बात की, जस्टिस पर सुशांत की बात की, और जब मुंबई में जो मजदूर फंसे हुए थे, जिनके पास खाने को कुछ था न रहने को घर था, उस समय इन्होंने उनके पक्ष में कोई बात नहीं की। क्योंकि इनको उससे कोई पब्लिसिटी हासिल नहीं होती। पर जब एक बॉलीवुड एक्टर सुसाइड करता है तो इनको एक टॉपिक मिल जाता है कि इससे वह पब्लिसिटी हासिल कर सकती है, तब ये जस्टिस फॉर सुशांत की बात करती है। जस्टिस फॉर सुशांत की बात करते करते यह मुंबई को POK बता देती है और मुंबई पुलिस को निकम्मा बता देती है। केंद्र सरकार इनको Y+ सिक्योरिटी देती है, क्यों इसका कोई जवाब नहीं है। न इन्हें कोई धमकी मिलती है, न इनके साथ कुछ गलत होता है, फिर भी इन्हें सिक्योरिटी दी जाती है। ये बिल्कुल आपके हमारे टैक्स के पैसे का बर्बादी और कुछ नहीं है। आपसे लास्ट में बस यही बोलूँगा कि अपने हक की बात कीजिए, अपने आने वाले जनरेशन की बात कीजिए। क्योंकि इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास इतना पैसा है जिससे ये अपना ज़िंदगी आराम से काट सके, पर हमको आपको हमारे आने वाले समय के बारे में सोचना होगा। हमें अपने रोज़गार के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।